नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन एंड फूड मतलब दवा और खाना, सब जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से ही बताऊंगा। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो होने वाला है और आँख खोल देने वाला वीडियो होने वाला है। तो जानते हैं कि मेडिसिन और फूड क्या होता है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगभग हम लोग 22 लाख सब्सक्राइबर्स, 22 लाख फ्रेंड्स होने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो मैंने बनाया क्यों, सबसे पहले ये मैं बता दूँ। तो मैं आज पढ़ रहा था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये बुक पढ़ रहा था और इस बुक में मैंने ये टॉपिक पढ़ा। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, तो इस टॉपिक को मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ये टॉपिक आप समझ लेंगे तो आप बहुत कुछ समझ लेंगे। और आपके पास अगर कोई बीमारी है, आपको अगर कोई बीमारी है, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी इस टॉपिक को सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद। सबसे पहले जानते हैं खाना क्या होता है। दोस्तों, फूड कुछ ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर है, जैसे कि विटामिन, जैसे कि अलग अलग तरह के मिनरल्स, जैसे कि आपके कार्ब्स या प्रोटीन। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस का एक मिक्सचर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारे शरीर को ये एनर्जी प्रदान करता है। ना सिर्फ ये एनर्जी प्रदान करता है, अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का कोई टिश्यू या सेल मतलब कोशिकाएँ टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उनको फिर से बनाने के लिए ये बहुत ही मददगार होता है। तो हमारे जीवन के लिए फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फूड में मैं फूड और वाटर दोनों ही बोल रहा हूँ, मतलब पानी भी बोल रहा हूँ। जैसे कि आप कभी आपके परिवार में किसी ने बोला हो कि खाना खा लिए, तो उनका मतलब ये होता है कि खाना के साथ आप पानी भी पी लिए। तो खाना बस नहीं होता, पानी भी होता है। तो ऐसे ही मैं फूड जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा मैं वाटर के बारे में बोल रहा हूँ। तो वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे ये हमारे टिश्यूज़ को इम्प्रूव करता है और कैसे हमारे ख़राब टिश्यूज़ को, अगर डिसीजेस हो गई हैं हमें बीमारियां हो गई हैं, तो कैसे हमारे ये टिश्यूज़ को ये फिर से ठीक करता है। एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको मलेरिया हो गया है और मलेरिया के बाद आरबीसीज और हीमोग्लोबिन आपके टूट गए हैं और टूट के वो ख़राब हो गए हैं और आपका आरबीसी काउंट कम हो गया है, रेड ब्लड सेल काउंट कम हो गया है, लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई हैं और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, तो जब आप खाना खाते हैं उसमें जो आयरन होता है वो आयरन आपके शरीर में जाता है और हीमोग्लोबिन बनाता है और आरबीसी भी बनने लगती है और आरबीसी फिर बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल है कि फूड क्या करता है। फूड हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी है, खड़े रहने की एनर्जी, बोलने की एनर्जी, चलने फिरने की एनर्जी, जो भी हम करते हैं सब खाने के बल पर ही करते हैं। और साथ ही साथ जो बीमारियाँ ठीक होती हैं वो भी खाने के बल पर ही ठीक होती हैं। तो अब आपकी मेडिसिन क्या करती है, जब बीमारियां ठीक हो रही हैं खाने के बल पर, तो मेडिसिन क्या करती है। दोस्तों, मेडिसिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ प्लांट किंगडम के सब्सटेंस होते हैं या कुछ आपके मान लीजिए कि मिनरल किंगडम से निकाले हुए कुछ सब्सटेंस है, या आप मान लीजिए कि मिनरल किंगडम के अलावा आप एनिमल किंगडम से भी काफ़ी सारे सब्सटेंस निकलते हैं। तो अर्थ में, हमारी पृथ्वी में हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ मेडिसिन बना सकते हैं। अभी कुछ मेडिसिन बन गई है, कुछ आगे बनेंगी, तो लगभग हर चीज़ से हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिसिन बना सकते हैं। और वो मेडिसिन क्या करती हैं, हमारी डिसीज़ के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर हमारी डिसीज़ को ठीक करती हैं। वो अलग अलग तरह से ठीक कर सकती हैं, जैसे कि एलोपैथी वाली जो मेडिसिन होती है वो डायरेक्टली डिसीज़ को ठीक करती है और डायरेक्टली उसको मारने की कोशिश करती है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स जाती हैं और आपके बैक्टीरिया को डायरेक्टली मारती हैं। अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह की बैक्टीरिया के लिए होती है, ये आप जानते हैं।
ऐसे ही होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है वो आपके टंग के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, डिसीज लाइक सिम्टम्स, तो वो आपके शरीर में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है और वो जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है उस रोग से लड़ने के लिए जो आपके अंदर है, उस रोग से आपका शरीर फिर लड़ने लगता है और ठीक हो जाता है। तो मेडिसिन मोस्टली डिसीज को ठीक करती हैं, लेकिन ये सिर्फ ठीक करती हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाती। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको बुखार है, सिंपली आपको फीवर है, एलोपैथी का एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर होम्योपैथी का भी दूंगा। तो अगर मान लीजिए आपको बुखार है, वायरल फीवर है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फीवर है, और पता चला है कि आपको टाइफाइड है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको बुखार है, आपने मेडिसिन खाई, कुछ एंटीबायोटिक्स खाई, कुछ पैरासीटामोल खाई, लेकिन कोई फूड आपने नहीं लिया, कुछ खाना आपने नहीं खाया, तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार पड़ जाएंगे, और जिसके कारण हो सकता है कि अगर आप खाना ना खाएं तो डेथ हो जाए आपकी। तो जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिसिन सिर्फ आपको इम्प्रूव कर सकती है, फूड ही आपको ठीक कर सकता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो हम ये भूल जाते हैं, क्यों, कैसे भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ ऐसा खाना खाएं जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो, और साथ में आप कुछ मेडिसिन खाएं जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए आपको बुखार है, आप कुछ ऐसा खाना खाएं जिससे आपका जो शरीर है वो वीकनेस बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और साथ में आप मेडिसिन खाएं, तो बहुत जल्दी आपका बुखार या किसी भी तरह का बुखार वो ठीक हो जाएगा। अब एक और चीज़ फूड के अंदर होती है, वो है मेडिसिनल पावर। हर फूड की एक कुछ ना कुछ मेडिसिनल पावर होती है, हालांकि जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं, तो मेडिसिनल पावर लगभग मान लीजिए कि 10% ही बचती है, लेकिन बचती ज़रूर है। तो अगर आप थोड़ा सा रॉ खाना खाते हैं, तो आपके जो फूड है उसमें मेडिसिनल पावर ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा कुक्ड ओवर कुक्ड खाना खाते हैं तो मेडिसिनल पावर कम हो जाती है। तो जब आप बीमार रहें तो आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो आप रॉ खा सकते हैं, जैसे कि फल ज़्यादा खा सकते हैं। तो फल में काफ़ी सारी मेडिसिनल पावर होती है, काफ़ी सारे एल्कोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपके बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मददगार रहते हैं। तो एक फूड जो है वो आपको ठीक कर सकता है बिना मेडिसिन के, लेकिन एक मेडिसिन बिना फूड के आपको ठीक नहीं कर सकता। ये अंतर है मेडिसिन और फूड में। तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं, जो लंबे समय से आपको चली आ रही बीमारी है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप मेडिसिन खूब खाते हैं लेकिन फूड पर ध्यान नहीं देते। तो आपको ध्यान देना चाहिए फूड पर, कि आप ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या ना खाएं जिससे आपको वो बीमारी ना हो, क्योंकि फूड ज़्यादा अधिकता खाने से भी हमें बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ अगर हम शक्कर ज़्यादा खाते हैं तो वो हमें बीमारी होती है, हम फैट ज़्यादा खाते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और बाकी जो बीमारियां हैं ज़्यादा खाना खाने से भी होती हैं। तो उन चीज़ों को हम कम कर दें, अच्छी चीज़ें हम ज़्यादा खाएं, ज़्यादा फाइबर खाएं, ऐसी खाना खाएं जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, और शुगर और थोड़े से क्या कहते हैं फैट अगर कम हो, तो हमारा शरीर जल्दी इम्प्रूव करेगा। तो कभी भी आपको कोई डिसीज़ हो तो आप मेडिसिन ज़रूर लें, लेकिन मेडिसिन के साथ आप फूड का भी ध्यान रखें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दोबारा बटन मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे लाइक का बटन देगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, नीचे शेयर का बटन देगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, मैसेज सेक्शन है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मैसेज करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।